नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे खाद्यम चैनल में। दोस्तों आज मैं एकदम देसी तरीका से मिक्सर साग बनाने जा रही हूँ। इसमें पालक है, बथुआ है और सरसों साग है, ये तीनों मिक्स करके बनाऊंगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अब गैस पर एक पैन रख दी हूँ साग बनाने के लिए। ये पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। ये सरसों तेल में बनाइएगा आप लोग भी, बहुत टेस्टी बनते हैं सरसों तेल में। तेल गर्म हो गए हैं, इसमें एक चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ, एक तेज पत्ता डाल रही हूँ। ये देखिए अजवाइन तड़क गए हैं। अदरक और लहसुन की खड़ल में कूट ली हूँ, वो कूटा हुआ है अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को थोड़ा भूनेंगे। एक हरी मिर्च डाल रही हूँ और एक प्याज काट कर रखी थी एकदम बारीक, वो डाल रही हूँ। अब लहसुन अदरक और हरी मिर्च प्याज को सबको भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च सब सुनहरा ब्राउन हो गए हैं। अब यहीं पे इसी स्टेज में जो साग मिलाकर रखी हूँ वो डाल रही हूँ। देखिए ये सारा साग डाल दी, सबको मिक्स कर देंगे बढ़िया से। एकदम देसी तरीका से बना रही हूँ आज का साग। इसी तरीका से आप लोग भी ट्राई कीजिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट साग भुना गया है, एकदम मीडियम आंच पर भूनेंगे। अब यहीं पर मसाला सब ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, छोटा चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर है। ये सारा छोटा चम्मच से डाल रही हूँ ये मसाला सब। ये देखिए दोस्तों, सब मसाला डाल के बढ़िया से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके और 2 मिनट भून लेंगे, क्योंकि बेसन डाली हूँ, बेसन भी भुना जाएगा और साग तो भुनाएगा ही, और 2 मिनट भून लेते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये साग 2 मिनट भुना गया है, इसी में बेसन भी भुना गया है। दोस्तों देखिए, बिल्कुल अलग तरीका से बना रही हूँ। आंवला भी डाली हूँ 1, आप चाहे तो इसमें कैरी भी डाल सकते हैं, कैरी रहे घर में तो। अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, खट्टा होना चाहिए कुछ, खट्टा इमली भी डाल सकते हैं, जो चाहे वो डालिए आप लोग भी। ये बिल्कुल अलग तरीका है दोस्तों। ये देखिए, इसमें तो पानी देते हैं, आप लोग कई तरह के खाए होंगे साग, पानी डाल के ग्रेवी बनाते हैं, और मैं इसमें चावल का पानी, जो चावल बनाते हैं और मांड जो निकलते हैं, वो डाल रही हूँ 1 गिलास। देखिए इसे हम लोग तो मार कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। ये देखिए 1 गिलास मार डाल दी हूँ। ये हमारे दादी नानी सब ऐसे ही बनाते थे, चावल के पानी डाल के। दोस्तों याद दिला दूँ, आपको अच्छा लगे, पसंद आए
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए कितना परफेक्ट ग्रेवी बने हैं। अब ये देखिए ग्रेवी को पकने देती हूँ, एक उबाल आने देती हूँ, तब तक ढक रही हूँ। देखिए दोस्तों एक उबाल आ गई है, इसमें हल्का उबाल आना चाहिए क्योंकि चावल का पानी हमारा उबला हुआ रहता है, जिसे मार कहते हैं वो, इसीलिए इसमें कम उबाल आने देंगे। अब ये हमारा साग बनके तैयार हो गए हैं दोस्तों। ये देखिए यहीं पे हरी धनिया से गार्निश कर रही हूँ। अब गैस को बंद कर देंगे। सीक्रेट चीज इसमें लगाऊंगी अब। ये देखिए साग बन के तैयार हो गए, तो उतार के रख दी हूँ गैस से। अब ये गैस पर एक तर का पैन रखी हूँ, ये गरम हो गया है हमारा। उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ, 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। देखिए जीरा चटक रही है। ये देखिए जीरा हमारा चटक गए। अब यहीं पर 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब गैस को बंद कर रही हूँ। देखिए ये साग में अब छौंका लगा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत अमेजिंग बने हैं ये साग, हमारे किचन में तो खुशबू आ रही है दोस्तों। देखिए अब सर्व करके दिखा रही हूँ कैसे बने हैं साग, बहुत लाजवाब बने हैं। ये चाहे तो चावल में खा सकते हैं, ये रोटी में खा सकते हैं, पराठा में भी खा सकते हैं, जिसमें आपको मन हो उसमें खाइए और इस ठंडी में एंजॉय कीजिए। बहुत लाजवाब बने हैं दोस्तों, पुराने तरीका से बनाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।